सभी मीडिया वालों का आपके चरणों में नमो नमस्कार करती हूँ। आज भी आप परिवार की इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। आज भी आपको इंतजार है, पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने क्या क्या उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए, आज अगर सही मायनों में देखा जाए मेरा ही नहीं हिंदुस्तान का सर्वजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे मेरे भाइयों, उस पर जो कुछ भी होया एक हिंदुस्तानी होने के नाते हुआ, उसे आज चुनाव की खातर जरदारी ने कत्ल कर दिया। जिस बात का हमें खौफ था कि हमारी हिंदुस्तान सरकार जब भी कहती है सर्वजीत की बात तो जरदारी के कान पर जू क्यों नहीं सरकती, क्यों नहीं सही महीने में सर्वजीत की रिहाई होती। आपने देखा लास्ट ईयर 26 जून को सर्वजीत का नाम लेकर किसे रिहा कर रहे हैं, सुरजीत सिंह को रिहा किया। मैंने तो तब भी इनका वेलकम किया, तब भी थैंक्स किया, मैंने सुरजीत सिंह को बधाई दी कि चलो मेरा कोई हिंदुस्तानी एक तो वापस आया, मेरा पंजाबी तो वापस आया। लेकिन आज जो इसने इतना निकम्मापन कायरतापूर्ण जो इसने आज किया है, जो सर्वजीत को शहीद किया, सर्वजीत को कत्ल किया, मैं 2005 से कहती आ रही हूँ कि निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है। जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया, पहले चमेल सिंह को मारना, आज सर्वजीत के साथ ये सब कुछ होना, मैं उसी दिन से कह रही थी, पाकिस्तान से भी कह रही थी लगातार लाइव में, मुझे शक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे शक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे शक है कि गुमराह किया जा रहा है, मुझे शक है कि संदेश सही नहीं है। मेरे पर जो लगी पाबंदियां थी तो मुझे मजबूर करती थी कि मैं भारत चली जाऊं, क्योंकि मैं जलालत सहन नहीं कर पा रही थी, मैं जलील हो रही थी। मैं जब उनसे पूछती थी सर्वजीत का हाल, बाद में वे लोग हंसते थे, उन्हें हंसी आती थी, नर्सें हंसती थी, डॉक्टर हंसते थे, वो सच्चे हंस रहे थे। उन्हें पता था कि सर्वजीत जिंदा तो है नहीं, पता हालचाल तो जिंदा इंसान का पूछा जाता, हमने तो इसे पहले ही शहीद कर दिया, तो हम तो ड्रामा कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, बुद्धू बनकर परिवार पूछ रहा है, वो सच्चा हंस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि एज ए हिंदुस्तानी मेरे साथ ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, और इस दुख की घड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। पहले वाजपेयी की पीठ पर इन्होंने छुरा मारा था मुशर्रफ ने, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीठ पर छुरा मारा, आज हिंदुस्तान की भावनाओं का कत्ल किया, आज हम पर हमला किया। कभी हमारे जवानों का सिर कत्ल कर देना, कभी उनके हाथ पैर काट देना, और हमें ये शुरू से संदेश दे रहे थे कि हमारे ना पाक इरादे, ना हम सुधरे हैं, ना हम सुधरेंगे, हमें सुधारोगे तो हम सुधरेंगे, जवाब देना होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं सभी पार्टियों को हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, आज मनमोहन सिंह जी के हाथ मजबूत करो, आज शिंदे जी के हाथ मजबूत करो, नहीं देखो मैं सीपीएम हूँ, मैं भाजपा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, देखो कि आपके एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपका आपके साथ विश्वासघात किया पाकिस्तान ने। इस घिनौनी हरकत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बोली बोलो, हमला बोलो अब पाकिस्तान पर। अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया, वक्त है अब जवाब देने का, एक होने का, एक मुठ होकर चलने का। और ललकारती हूं मैं पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान में ललकारा था, माँ की बेटी आ रही है तालिबानियों मुझ पर हमला करना, बच्चे छोड़ के आती हूँ, अरे कायरों मेरी इंतजार तो करते, मैं वापस पाकिस्तान आती, मुझ पर हमला करते और देखते कि तुम्हारा मेरा एक एक हिंदुस्तानी तुम्हारे 10-10, 20-20 पर कैसे भारी पड़ता। मेरे अकेले भाई को शहीद किया है, अरे ललकार के बाहर निकालते हो, माँ का दूध पिया था, मेरा अकेला तुमको बता देता कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी आया हूँ। मेरे भाई ने एक बार मुझे खत में लिखा था, मुझे ये लोग कहते आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में चला जा, अगर मुझे मजबूरन इन्होंने भेज दिया, वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगी। दीदी अपने आप को समझ लेना, मैं दोबारा से भगत सिंह की बहन पैदा हुई,
मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग लेकर इन्हीं के कैप को उड़ा दूंगा। मैं रात दिन दुआ करती थी ईश्वर मेरे भाई को आतंकवादियों के ट्रेनिंग में न भेजे, ये सच में शहीद हो जाएगा, ये सच में कैंप को उड़ा देगा, जो इसने लिखा है ये उस पर चलेगा। आज आपका भाई शहीद हुआ है, आज आपको मीडिया को भी एक हिंदुस्तानी बनकर खड़ा होना पड़ेगा, एक रिपोर्टर बनकर नहीं, एक मीडिया कर्मी बनकर नहीं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझो, हिंदुस्तानी के लिए बोलो, ऐसा एक मैदान खड़ा कर दो कि छोटा सा बच्चा भी उस लड़ाई में पीछे न रह जाए, सब एक हो जाओ और बोलो डटकर कि कहे है पाकिस्तान, कहे है पाकिस्तान, बेईमान है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान। गृह मंत्री से आपकी बात हुई अभी, क्या गृह मंत्री ने आपको आश्वासन दिया और आपने, क्योंकि आप लगातार ये कह रही थी कि दोनों तरफ की सरकारों का कोई सहयोग परिवार को नहीं मिला, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आज शिंदे जी ने कहा, मैंने उनको जेल की एक एक रिपोर्ट बताई कि सरबजीत के साथ अंदर क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, मैं आपको समय समय पर बता रही थी। अफसोस मुझे जरूर रहेगा श्री नरसिम्हा राव, अगर आप कदम उठा जाते सही, आज मेरा नौजवान शेर शहीद ना होता, आज वो देश के लिए कुर्बान ना होता। आपने बहुत समय गवा दिया, बर्बाद कर दिया। आज शिंदे जी मुझे भरोसा देकर गए, मैं जाति तौर पर, मेरी सरकार जाति तौर पर, सरकारी तौर पर हर प्रकार में परिवार के साथ हूँ। पाकिस्तान से एक एक हिसाब लिया जाएगा, एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैंने उनसे अपील की है, हर आने वाले उस पाकिस्तानी ड्रामे बाज पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर दिया जाए, इनसे संबंध तोड़े जाएं, कभी इनको वीजा न दो जो यहाँ आके हाथ डलवाते हैं, कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आज उन लोगों ने स्विच ऑफ किए थे, आज उन लोगों ने एक बार मुझे नहीं पूछा, एक बार उनकी आवाज बाहर नहीं निकली, वे सामने नहीं आए, वे लोक लालची हैं। अगर मैंने 2 करोड़ बर्नी को दिया होता, मेरा भाई आज भारत होता, मैं 25 करोड़ बर्नी को दिया होता, आज भाई मेरा इधर होता। बर्नी बोलता, बर्नी का कोट बोलता, बर्नी के काले जूते बोलते, उसके फीते बोलते, लेकिन मैं इतने करोड़पति थी नहीं, मैं एक गरीब परिवार की गरीब लड़की, 25 करोड़, 2 करोड़ देने की मेरी ऐसी, हाँ बिल्कुल, मेरे गवाह है मेरे साथ, मेरा भाई बिल्लू जी, मेरा भाई मनोहर लाल जी, मेरे महाराज त्रिलोचन दास जी, सरबजीत जो कि शर्मा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, पूछो इन सबसे, वरिंदर से पूछो, इंद्रजीत से पूछो, उन्होंने कहा था 25 करोड़ सुबह दो शाम को सरबजीत ले लो, शाम को दो सरबजीत सुबह ले लो, अगर 25 करोड़ नहीं कर पाती हो तो 2 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे। दलवीर जी, वीजा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है, वेंटिलेटर से उन्हें नहीं हटाया गया था, और क्या आप चाहेंगे कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो उनके शरीर को? यहाँ मेरे भारत में वापस आ लेने दो, मेरे शेर को जांचेंगे जरूर, देखेंगे कहाँ कहाँ घाव दिए, किस किस चीज से दिए, कितने कितने घाव दिए, क्या क्या उसके साथ अत्याचार हुआ, ये जरूर जांच होनी चाहिए। उनकी काली करतूत, उनकी घिनौनी करतूत, उनकी कायरता सबके सामने आनी चाहिए। हम लोग इसका जवाब मांगेंगे, वो हमें, हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें भी खेलने का अधिकार है, जवाब देने का अधिकार है, हमने भी हिंदुस्तान का खाया, हिंदुस्तान का पिया है, हिंदुस्तान का पहना है। क्या इंडियन गवर्नमेंट की निराश है आज, आपको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी आपकी मदद नहीं करी? इंडियन गवर्नमेंट से भी निराश है घंटे बाद जगी भारत। मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, मैं 2005 से कह रही हूँ, सही कदम उठाए होते हर आने वाली सरकार ने कुछ सोचा होता, आज सरबजीत शहीद न होता, आज सरबजीत कत्ल न होता। लापरवाही रही, मैं कह बिल्कुल लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही को लापरवाही ही कहूंगी, भले मेरी जान चली। दलवीर जी, कोई आश्वासन नहीं पाए हैं शिंदे साहब से इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स प्रोब का, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अदालत में जाने का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हमें इसके लिए जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, हमें जो भी करना पड़े करेंगे, इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हम जरूर देंगे। गृह मंत्री ने क्या पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाए, हाँ, के बारे में कोई आश्वासन? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर सरकारी उनका सम्मान किया जाएगा, सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको लाया जाएगा,
शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जो भी होगा सरबजीत के लिए वह जरूर किया जाएगा, पर उस वक्त आज सरबजीत के लिए हो रहा है जब सरबजीत इस दुनिया में नहीं रहा। सरबजीत के होते हुए अगर किया होता आज हम भी खुश होते, आप भी खुश होते, पूरी दुनिया खुश होती। पर मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। मैं खुशियां ढूंढने के लिए गलियों में, बाजारों में, सड़कों में, रेलों में, बसों में, ऑटो में, रिक्शे में मैंने धक्के खाए। मैंने नहीं देखा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैंने नहीं देखा लो है, मैंने नहीं देखा मैं ठीक हूँ, मैंने नहीं देखा मैं बीमार हूँ, मैंने नहीं देखा खाने के लिए मेरे कनस्तर में आटा है या नहीं। मैंने सिर्फ देखा इसे मिल लूं, इसे कह लूं, इसे मिल लूं, इसे कह लूं। वक्त मुझे घबरा रहा था, मैं सच में घबरा रही थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। मेरे दिल में चोर छुपा हुआ था, मैं पाकिस्तान का कई बार नाम कोई लेता था मैं डर जाती थी आपकी, कभी रिंग आ जाती थी मेरे मोबाइल में मैं डर जाती थी कि भगवान कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छी बात हो, किसी मेरे अपने का अच्छा फोन हो। मैं इस कदर डरी रही हूँ, मैं बहुत डरी रही हूँ, मैं डर के साए के तले जीती रही हूँ। मैं भी पल पर जी हूँ, पल पर मरी हूँ। अरे कायरो 23 साल पहले उसे नर्क की जिंदगी आपने काल कोठरी में कटवाई, उसके बाद आज आपने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। पाकिस्तान सरकार को जवाब सारी दुनिया को देना होगा, पर दिया जाएगा, लिया जाएगा, हिसाब आप लेंगे, एक एक हिंदुस्तानी आप लेंगे, अपने मीडिया के माध्यम से लेंगे, अपने कलम की जोर से लेंगे, ताकत से लेंगे। ये आपको कर्म करना पड़ेगा। सरकार का तो इस मामले में लचर रवैया, आपको लगता है कि सरकार जवाब मांगेगी और जवाब देगी? बिल्कुल लेना पड़ेगा। जब आप अपनी कलम उठाएंगे, अखबारों में लिखेंगे, जब आप इन चैनलों के माध्यम से पूछेंगे, बताएंगे, हर हिंदुस्तानी पूछेगा, तो वे जवाब जरूर लेंगे, मजबूर होंगे, मजबूर आप करेंगे। दलवीर जी, क्या ये बताया गया है सरबजीत को वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा या बायरूट लाया जाएगा, बागा से लाया जाएगा? बाय एयर दिल्ली आएंगे कि हमारे सीधा गांव? कब तक आ जाएंगे दलवीर जी? आप लोग कल वापस क्यों आए? आप लोग वहाँ से वापस क्यों आए जब सरबजीत की? मैंने बताया कि मुझे जलील करते थे, जलालत भरी जिंदगी, पल भी मैं वहाँ नहीं खड़ी हो सकती थी, नहीं मैं बैठ सकती थी। उधर पूनम बीमार थी, उधर मुझे उसकी परेशानी थी, उधर ना वे खाती थी ना पीती थी, सिर्फ रोती थी। हमारे हाई कमीशन को भी उन्होंने कहा था, मैंने अपने कानों से सुना था, विदेश मंत्रालय से जो उन्होंने ऑफिसर दिया था कि इनको सुबह भेज दो, इनको सुबह भेज दो। मैं तभी समझ गई थी कि मेरे बाद कुछ जरूर होगा, तभी मैंने कल शक जाहिर किया था कि मेरे आने के बाद अब कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि हमारे कान सुनने को तैयार। आपने पिता को देख पाई थी, बाहर भी देख पाई थी? नहीं, हम अंदर बिल्कुल अंदर उनके पास गए हैं, बॉडी को छुआ है, मैंने बाह को चूमा है, मैंने मुंह को छुआ है, उसके पेट को छुआ है, उसके पैरों को छुआ है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से देख रही थी, बिल्कुल उसके पास गई। अंदर बच्चे, उसकी बीवी, एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है। राजकुमार मेहता जी ने कहा कि आपको जो दिखाया जाता रहा वो रिकॉर्डिंग दिखाया जाता रहा, पहले जान चली गई, आप जब तक आप वहाँ थी वो जिंदा थे। हाँ, जैसा कहते हैं कि डॉक्टर्स की वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को लाकर रख दो तो उसमें भी हरकत आ जाती है, उसमें भी सांस चलनी शुरू हो जाती है। शायद मेरे साथ वही हुआ था। लेकिन आपको अंदर जाने दिया जाता? लेकिन ये जहां मैं अंदर जाती रही हूँ, परिवार जाता रहा, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी, ये जरूर हुआ कि उसके उपचार में देरी हुई, उसके साथ बेईमानी हुई, उसे क्वाल कोठड़ी के अंदर ही मारा गया, शहीद किया। मैं अपने गांव जा रही हूँ, अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ कभी कोई सलाह नहीं हुई थी, मुझे कुछ बताया ही नहीं जाता था, मुझे नहीं पता। आप 22 साल का लंबा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, इसमें कई सरकारें आई गई, लापरवाही, लचर रवैया किसका रहा आपकी नजरों में? सभी पार्टियों की, सभी सरकारें जवाब दे हैं, सभी ने लापरवाही बरती है। और कई बार ऐसा होता था कि हमारे घर में इंक्वायरी करने के बहाने लोग जाते थे, हम CID से आए, आपके पत्र गए थे भारत सरकार को, भारत सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमें भेजा है। तो इस तरह की उनकी बातें रही, लेकर किया कुछ नहीं।
रवि जी एक आखिरी सवाल, आपने कहा शिंदे साहब ने अगर आश्वासन दिया कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ दिया जाएगा, बाहर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कोई मजबूरी होगी, सम्मान के साथ बोला कि कोई मजबूरी होगी, लेकिन मुझे जो कहा मैंने आपको बता दिया। अंतिम संस्कार की बात करें तो क्या प्रोग्राम है अंतिम संस्कार का, कब कितने बॉडी ये आए उसके हिसाब से देखें। अच्छा, आपको एक सपोर्ट भी मिला पाकिस्तान में, चाहे अवैध शेख के जरिए हो? सिर्फ अवैध शेख, अवैध शेख जिसको जिसको आज भी बर्नी जी ने तो ट्वीट कर दिया, मैं चला था सरबजीत को देखने, तालिबानों ने मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया, शेख के घर में चिट्ठियां गई, शेख को मेरे सामने सीएडीए वाले कह रहे थे इनको जाने दे तुझे बाद में ये लोग देखेंगे, उसने कहा अरे यार देख लेना, मरना एक दिन मरना है, आए तुम देखने वाले, लेकिन वो डरा नहीं था। आपकी नजर में अंसार बर्नी फ्रॉड? इसके बीजेपी पर पहले सख्ती से पाबंदी लगनी चाहिए, ड्रामे न करे आते यहाँ। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई, मैं उन सरबजीतों के लिए जरूर अब लड़ती रहूंगी, लड़ना मैं अपना पहला कर्तव्य समझूंगी जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है, और फिर देखूंगी कि तालिबानी मेरा क्या करते। सुरजीत सिंह भी कह रहे थे कि वो लड़ेंगे और सरबजीत को छुड़ा के लाएंगे, वो तो एक ड्रामेबाज खरीदा हुआ उनका अपना वो था, क्या कह सकते हैं, प्यादा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो तो उनका अपना खरीदा हुआ था जिसने आगे ये सब कुछ बोला, अगर वो सच्चा होता तो सच्चाई आज आपके सामने कुछ और होती। सरबजीत इस तरह से ना, पहले जमील सिंह सरबजीत, आपको लगता है सरकार को होश में आना होता तो आ गई होती, सरकार को होश में आना चाहिए और भी सरबजीत बन सकते। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ कि इनको होश में आना चाहिए, उनके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी। एक बहन अब आगे क्या करेगी, बाकी सरबजीत भाइयों के लिए मैं जरूर लड़ूंगी कि मेरे बाकी सरबजीत तो अपनी धरती पर लौट आए। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनके ऊपर जितने सारे मतलब आरोप लगाए हुए थे, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, ड्रामा करते हैं, हमारे आंसू पहुंचने की कोशिश है, लेकिन ऐसे आंसू पूछते नहीं है, जख्मों पर नमक लगाना चाह रहे हैं आप, वो नमक लगाने का काम कर रहे हैं, वो जलती पे घी डाल रहे हैं। आपसे अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है ना? आप सारे हिंदुस्तानी बन जाना, सारे हिंदुस्तानी।